आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में एवीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन, समाज कल्याण विभाग के निदेशक को दिया ज्ञापन। कानपुर में इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें, इरफान सोलंकी के गैंग की होगी कार्रवाई। और रया में बाबा साहब की मूर्ति टूटी गई मिली है। प्रयागराज में भगवती मानव कल्याण संगठन ने निकाली पदयात्रा। कोरोना में पुलिस के हत्थे चढ़ा छात्र बदमाश, पुलिस ने छात्र बदमाश का किया एनकाउंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में एबीवीपी ने छात्रवृत्ति को लेकर कल्याण भवन के सामने प्रदर्शन किया है। बता दें कि काफी समय से छात्रों के हिस्से का पैसा सरकारी अधिकारियों के हिस्से में जा रहा था, इसी का छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अपनी आवाजों को बुलंद कर उन्होंने इस प्रदर्शन को एबीवीपी प्रदर्शन किया है, समाज कल्याण विभाग के निदेशक को ज्ञापन भी दिया है। कानपुर के महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी और उनके गैंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जाजमऊ थाने में विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पहले ही गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है, तो वहीं पर अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं उनके भाई रिजवान सोलंकी शौकत को पुलिस पहले ही जेल का रास्ता दिखा चुकी है। अब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 14A तहत विधायक और उनके गैंग के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट का आधार है एक गैंग चार्ट, जो जमीन पर कब्जा करने, रंगदारी लेने और संबंधित अन्य अन्य प्रकार के अपराध करने से जुड़ा हुआ है। 127/22 थाना जाजमऊ का जो केस है, उससे यह गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। बाकी अन्य और भी ऐसे मुकदमे संज्ञान में आए हैं, जिसमें गैंग के सदस्यों ने जमीन पर औने पौने दामों में खरीदने, जबरदस्ती कब्जा करने और रंगदारी करने, पैसा वसूलने जैसे कृत्य और इस तरह के एक्ट भी इस गैंग ने किए हैं। उन सभी मुकदमों को इस गैंगस्टर एक्ट। प्रयागराज में भगवती मानव कल्याण संगठन ने पदयात्रा निकाली है, जिसको लेकर निकाली। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान संगठन लाखों लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प दिलाएगी। आने वाले 25-26 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। छब्बीस फरवरी को पूज्य गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में एक विशाल शक्ति चेतना जनजागरण शिविर होने जा रहा है, जिसमें लाखों लाखों लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने की सतत प्रेरणा प्रदान करने के लिए पूज्य गुरुदेव 25-26 फरवरी को इस परेड ग्राउंड में प्रयागराज की पावन धरती पर आ रहे हैं। परिचय बता दें अपना। गायत्री प्रसाद चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन। मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शक्ति चेतना जनजागरण सद्भावना यात्रा प्रयागराज के मुख्य मार्गों से निकाली गई, और इस सद्भावना यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन जन को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त
एवं चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा देने के साथ ही आगामी 25 एवं 26 फरवरी 2023 को परम पूज्य योगीराज श्री प्रतापगढ़ के बाबा घोसलेनाथ धाम में 28वें राष्ट्रीय एकता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह ने जमकर डांस किया। साथ ही कार्यक्रम में सिंगर रवि त्रिपाठी ने अपने गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में एसपी पश्चिमी सीओ लालगंज समेत कई थानों की पुलिस बल और पीएससी बल तैनात रहे। शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ जो मैं यहाँ से प्यार पाकर जा रही हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड आई वुड लाइक टू थैंक मोना मैम कि इतना प्यारा माहौल, इतने प्यारे लोग, सबको इतना प्यार से हैंडल करती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर होकर भी इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ और इतने प्यार से पेश आना। पूरी फैमिली सब ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद मुझ पर इसी तरीके से बनाए रखिएगा। बांधा उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और राष्ट्रीय एकता महोत्सव जो सभी को एक मंच पे ला करके एकता के सूत्र में बांधने का जो सपना था मेरे पिता का, उसको हम सब आज 28वें वर्ष के सफलतापूर्वक आज पूरा हुआ है। बाबा का धन्यवाद, रामपुर खास की जनता का धन्यवाद, उनका जो प्यार और आशीर्वाद है। कल से विधानसभा शुरू हुई है और कांग्रेस पार्टी लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बछरावा कस्बे में रेलवे लाइन के ऊपर बना ओवरब्रिज मौत का ओवरब्रिज बनता जा रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार डीसीएम ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रही डीसीएम स्पीड और घुमा होने की वजह से पलट गई, तो वहीं डीसीएम के अंदर बैठे 2 लोग घायल भी हो गए। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिक महोत्सव में धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के छात्रों के नृत्य और गायन से समारोह में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कार और शिष्टाचार की कमी आ रही है। बच्चों के बुद्धि में विकास के लिए कक्षा में सदाचार और संस्कार का पाठ भी पढ़ाया जाता है। हमारे वहाँ आज वार्षिकोत्सव, जो कि विद्यालय के वर्ष भर का उत्सव जैसा कि कहा गया है, वो आज पूर्ण हो रहा है, जिसमें छोटे भैया बहन से लेकर बड़े भैया बहन तक उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और विभिन्न कार्यक्रमों में, जैसे कि एक संस्कार नाटक के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि जो कि आज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में एक सर्वे हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि एक विद्या भारती में पढ़ने वाले विद्यालय के बच्चे ही एक ऐसे हैं जिनके माता पिता आज तक वृद्धाश्रम में नहीं आए हैं। हमारे वहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी पद्धति है, जो कि हम उस पर भी जोर देते हैं और शिक्षित करने के साथ साथ उनको संस्कार भी देते हैं। और इसी कार्यक्रम के वजह से, जैसा कि वार्षिकोत्सव आपके सामने चल रहा है, उसमें विभिन्न कार्यक्रम जैसे पिरामिड बनाना, बच्चों का शारीरिक दिखाया जाता है, शारीरिक क्षमता का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास, बच्चों की बोलने की कला, पढ़ाई क्या है, ये सारी बातों पर विद्या भारती में विशेष जोर दिया जाता है। और उन्हीं के आधार पर हमारे भैया ही स्वयं गाते हैं, स्वयं बजाते हैं, स्वयं नृत्य करते हैं, सारी कलाओं का उनके अंदर विकास हो, ऐसा ही सर्वांगीण विकास की दृष्टि से हम लोग वार्षिकोत्सव मनाते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम,
निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे बीते 4 दिनों से बिजली न होने के चलते बीमार मरीजों को खांसी की दिक्कत हो रही है और बिजली विभाग की कमी का खामियाजा मरीज और डॉक्टर भुगत रहे हैं। मरीजों की जिंदगी में उजाला करने वाले डॉक्टर अंधियारे में काम करने को मजबूर है। मरीजों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, कई दिनों से अस्पताल में बिजली नहीं है। ओपीडी में हम देखें तो तमाम डॉक्टर्स बिना लाइट के ही लोगों को देख रहे हैं। अभी चार दिन से ये प्रॉब्लम आई है, केबल तड़ गया है। तो इधर तो छुट्टी आ गई थी, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन अब आज थोड़ा सा है, आज ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं कि भी थोड़ा टाइम और लेगा। तो सर, ऐसे में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको काफ़ी असुविधा हो रही है, जैसे हमारी पेशेंट से बात हुई है तो उनको ये कुछ किया जा रहा है, इंतजाम जनरेटर किया जा रहा है, इन्वर्टर से कैसे किया जा रहा है? जितनी हमारी जो व्यवस्था है हम लोगों की हो सकी है हमने कर दिया है। जहाँ पे थोड़ी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अभी वो बिजली वाले अपने हिसाब से देखते हैं। शॉर्ट सर्किट सर कब हुआ था और क्या वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट की, वो इसके बारे में जानकारी ज़्यादा कुछ कहा नहीं उन्होंने कहा कि। देवरिया में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आखिरी दिन प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अलका सिंह ने कहा कि खेल के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर आती है, यही खिलाड़ी आगे चलकर क्षेत्र, जिला, राज्य के साथ देश का नाम रोशन करते हैं। बता दें कि इस निर्णायक फाइनल फुटबॉल मैच में सलीमपुर को 3-0 से हरा कर भटानी विजयी रही। तो मैं इस आयोजनकर्ता जय माँ दुर्गा आदर्श क्लब को मैं ढेरों बधाई देना चाहती हूँ कि उनके सौजन्य से 12 तारीख से ये आयोजन का प्रारंभ किया गया था, जहाँ पे जनपदीय टीमें यहाँ पे आई हुई हैं, 8 टीमें आई हुई हैं, जो 8 टीमों के इस प्रतियोगिता को कराते हुए आज फाइनल मैच है। फाइनल मैच में 2 टीमों को सेलेक्ट किया गया है, जो कि हमारे ही खुशी की बात है कि ये 2 टीमें जो फाइनल में पहुंची हैं हमारे ज़िले की हैं, एक भटनी से है और एक सलेमपुर की है। मैं इन दोनों टीमों को सबसे पहले शुभकामना देना चाहती हूं।
जो युवा जो खेल रहे हैं, एक कहते हैं ना, एक मोटिव करने के लिए किया जाता है कि एकता की भावना आज भी हम लोगों में है। जो भारत जो है वो हमारा एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसको मोटिव करने के लिए, इसको संदेश देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ जय माँ दुर्गा आदर्श क्लब को कि उन्होंने एक मिसाल कायम किया है। औरैया में बाबा साहब की मूर्ति टूटने की सूचना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम प्रधान को नई मूर्ति स्थापित करने के दिशा निर्देश दिए। पूरा मामला फमफुत थाना क्षेत्र के ग्राम फूटा ताल का है। आज सुबह ये सूचना मिली कि ग्राम फूटा ताल में बारात घर में जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित है वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके पूर्व भी बच्चों के खेलते समय मैं यहाँ इस गांव में आया था, बच्चों को गाँव ने बताया, ग्राम प्रधान ने बताया था, 5-6 महीने पूर्व भी बच्चों को खेलते समय कुछ प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई थी। प्रतिमा जो लगी हुई वो भूतल पर है, ज़मीन पर, कोई चबूतरा नहीं है। तो अभी यहाँ आने के बाद भी ग्राम वालों, ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामवासियों ने बताया कि खेलते समय बच्चों की क्षतिग्रस्त हुई है। नई मूर्ति की व्यवस्था की जा रही है और चबूतरा बना के उस स्थल पर प्रतिमा स्थापित की जाए, करीब 5 फीट ऊंचे चबूतरा पर, और यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मिहोली ओवरब्रिज के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। कल्लू नाम का पेशेंट आया, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण उसको हेड इंजरी हुआ है और किसी अज्ञात वाहन ने उसको पीछे से मारा हुआ है और उस पेशेंट को हमने प्राथमिक उपचार देकर के कानपुर के लिए रेफर किया। उस पेशेंट को पुलिस और जो हाईवे की पुलिस होती है वो लेके आए। बुलंदशहर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 20 लाख रुपए की फिरौती मामले में FIR नहीं होने पर परिवार ने हंगामा किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद DM ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। गोंडा में 22 साल पहले हुई नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई एक डकैती और 6 लोगों की हत्या करने वाली शातिर बदमाश को UPSTF ने एक एनकाउंटर में मार गिराया है। बता दें कि शातिर अपराधी ने मेवातियान मोहल्ले के रहने वाले रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर के घर में डकैती डाली थी और परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। मृतकों में 2 बच्चे मासूम भी उसमें से शामिल थे। पुलिस ने इस शातिर हत्यारे पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 2001 में 17 तारीख की रात में हमारी एक डकैती पड़ी थी, जिसमें हमारे घर के 6 लोगों की हत्या हो गई थी उसी रात और 6-7 लोग इंजर्ड हो गए थे बहुत बुरी तरीके से। उसमें 2 छोटे बच्चे भी थे जिनकी हत्या हो गई थी और लंबी डकैती, ज्वेलरी, कैश जो कुछ था सब लूट ले गए थे। ये 17-18 अगस्त की बात है 2001 की। आज आप लोग के माध्यम से ये पता चला है कि उस डकैती में जो शामिल था आज वो एनकाउंटर मारा गया है। आप लोग के माध्यम से ये पता चला तो आज लगा कहीं ना कहीं 23 साल बाद न्याय मिला है। जी, बहुत तकलीफ हुई थी जब ये सब सुना था, लेकिन आज ये सुन के थोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने साल बाद पुलिस ने इनको मारा। बहुत ज़्यादा मतलब थे इंजर्ड। मेरे घर वाले बोलते हैं कि मतलब लगता नहीं था कि मैं बच पाऊँगी। अच्छा। मेरे चाचू ने बहुत किया हम लोग के साथ, तो मैंने हमेशा से चाचू चाची को अपनी माँ बाप समझा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे केयर की, बहुत अच्छे से रखा, कभी फील नहीं हुआ कि मम्मी नहीं है। 17 अगस्त 2001 को जिस तरीके से थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत न्यू मेवातियान मोहल्ले में एक ही परिवार के ऊपर 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें से आज एक इनामी बदमाश साहब सिंह को बुलंदशहर में यूपी
पुलिस और एसटीएफ ने ढेर कर दिया। वहीं उन परिवार के लोगों ने जो टकटकी आस लगाए थे, कहीं आज उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। गोंडा से मुजीब आलम, प्राइम टीवी के साथ। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।